नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए आपको सीधा हरियाणा के कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त सीएम पुष्कर सिंह धामी संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं। शासन चलाने का काम किया है, उनको पछाड़कर भारत पांचवें नंबर की अर्थव्यवस्था बना है। आज बृहद स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, विश्व स्तरीय बन रहा है। प्रतिदिन 38 किलोमीटर सड़क बन रही है और पिछले 10 वर्षों में 55,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण हुआ है। और आजादी के बाद से जितने हवाई अड्डों का निर्माण हुआ भाई बहन, उससे ज्यादा हवाई अड्डे पिछले 10 वर्षों में बने हैं। पिछले 10 वर्षों में 15 नए एम्स बने हैं देश के अंदर, 7 नए IIT, 7 नए IIM देश को समर्पित किए गए हैं। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। 2014 से पहले आपने देखा होगा, हम अन्य देशों पर रक्षा के क्षेत्र में निर्भर रहते थे। आज 70% से भी अधिक स्वदेशी रक्षा संसाधनों का इस्तेमाल हो रहा है। यही नहीं, आज 85 देशों को भारत रक्षा के उपकरण निर्यात भी कर रहा है। आज भारत में G20 का सम्मेलन होता है, एक बहुत बड़ी सामर्थ्य। पूरी दुनिया ने भारत की सामर्थ्य भी देखी, संस्कृति को भी देखा। हमारा चंद्रयान चंद्रमा में जाकर स्थापित हो जाता है, आदित्ययान का सफल प्रक्षेपण हो जाता है, कोरोना में कोरोना रोधी वैक्सीन बन जाती है। भाइयों बहनों, ऐसे अनेक काम जो देश के अंदर हुए हैं, अगर हम इन सबको ठीक से देखेंगे, विचार करेंगे, तो हमको लगेगा जो अभी शुरुआत में यहाँ तक्षशिला और नालंदा की बात हो रही थी, नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय पूरी दुनिया को ज्ञान विज्ञान देने का काम जहां से शुरू हुआ, वह भारत फिर से मोदी जी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके साथ ही मोदी जी के नेतृत्व में अनेक ऐतिहासिक निर्णय देश के अंदर लिए गए, चाहे वो कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त हो या देश में CAA का कानून लाया गया हो। भाइयों बहनों, इसके साथ ही चाहे 3 तलाक जैसी कुप्रथा से मुक्ति मिली हो या पुलवामा में अटैक होता है तो ऐतिहासिक निर्णय सर्जिकल स्ट्राइक भी होती है। भाइयों बहनों, ये सारे काम मोदी जी के नेतृत्व में हुए। इतना ही नहीं, हम सब लोग जिनका नाम हर क्षण लेते हैं, हर पल लेते हैं, प्रभु श्री राम, जिनका लंबे समय से हम सब देशवासियों को, राम भक्तों को, राष्ट्रभक्तों को, जिसकी प्रतीक्षा थी कि जहां भगवान पैदा हुए वहां उनका मंदिर बनना चाहिए, वो अपने घर में विराजित होने चाहिए। भाइयों बहनों, हम सबको भी त्रेता युग के बाद फिर से राम युग में आने का सौभाग्य किसी के कारण, किसी के नेतृत्व के कारण से मिला है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण मिला है। भाइयों बहनों, नारी शक्ति बंधन अधिनियम हो या हमारे सैनिकों के, जनरल भट्ट साहब बैठे हैं यहाँ पर सैनिकों के प्रतिनिधि के रूप में, इसलिए मैं कह सकता हूं, मैं भी एक सैनिक परिवार से आता हूं, मैंने वो खुशी देखी है। भाइयों बहनों, जो वन रैंक वन पेंशन लागू होते समय देश के हर एक सैनिक के दिमाग में आई, उनके मन मस्तिष्क में आई, 40 सालों तक वो प्रतीक्षा कर रहे थे, उनकी प्रतीक्षा को समाप्त करने का काम भी किसी और ने नहीं किया, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही सैनिकों को वन रैंक वन पेंशन दी। इसके साथ ही सैनिकों को जो मिलने वाली सुविधाएं, जो सियाचिन में अन्य हिमपात वाली जगह पर अपनी सेवाएं देते हैं, वहां उनको अच्छे उपकरण नहीं मिलते थे, अच्छे उनको जैकेट नहीं मिलते थे, अच्छे उनको बूट नहीं मिलते थे, अच्छे खाने की सामग्री नहीं मिलती थी। भाइयों बहनों, मोदी जी के आने के बाद जहां अच्छे उपकरण मिलने लगे, अच्छी जैकेट मिलने लगी, अच्छी बूटें मिलने लगी। आप सबको पता होगा, उससे पहले जब ये सुविधाएं नहीं मिलती थी तो सैनिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। आपने देखा होगा गांवों में बहुत सारे लोग जो ग्रामीण प्रवेश के होंगे, सैनिकों के बीच में रहते थे, गैंग्रीन जैसी बीमारी हो जाया करती थी, उनके हाथ पांव काटने पड़ जाते थे। लेकिन देश के अंदर जिन्होंने 60 वर्षों तक शासन किया, देश की हुकूमत को चलाने का काम किया, उन्होंने उन सैनिकों की चिंता करना भी जायज नहीं समझा, जिनके कारण वह और हमारा देश सुरक्षित रहता है, उनको भी सुरक्षित करने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में हुआ। यही कारण है कि सेना का आज मनोबल बढ़ा है और सेना को पूरी छूट दी गई है
कि दुश्मन की अगर कोई गोली आएगी, चाहे सीमा पार से आएगी, आतंकवादी, अलगाववादी या जिहादी की गोली आएगी, तो आप गोली का जवाब देने के लिए सेना को किसी को पूछना नहीं पड़ता है, बल्कि सेना गोली का जवाब गोलों और तोप से देने का काम करती है। ये नया भारत बनाने का काम मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे देश के अंदर देश की आजादी से लेकर लगातार एक संकल्प रहा कि देश के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो, किसी जाति का हो, हर किसी के लिए एक समान देश के अंदर कानून होना चाहिए। यानी कि एक के लिए अलग कानून है, दूसरे के लिए अलग कानून है। भाइयों बहनों, हमने उत्तराखंड के अंदर देवभूमि में UCC का बिल, समान नागरिक संहिता, यानी कि सबके लिए एक समान कानून, ये विधेयक हमारा उत्तराखंड में बन गया है। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे हैं, हरियाणा में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कैथल से हम आपको सुना रहे थे, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कि जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान आपको बता दें कि भाई बहनों, वो समाप्त हुआ। उत्तराखंड के अंदर भी हमने सख्त नकल अध्यादेश लागू करके ये जो खिलवाड़ होता था नौजवान युवाओं के भविष्य के साथ, वो खिलवाड़ बंद कर दिया है। इसके साथ आप सबके मन में जब उत्तराखंड की बात आती है, देवभूमि की बात आती है, तो आपका जो भाव है वो बदल जाता है। वो सुनते हैं कि भाई देवभूमि के लोग हैं, देवभूमि है, देवभूमि का कैसा स्वरूप होना चाहिए। देवभूमि जिस स्वरूप में पूरी दुनिया के अंदर जानी जाती है, वो स्वरूप हमेशा बना रहना चाहिए। भाइयों बहनों, पिछले सालों में देवभूमि के इस स्वरूप को छेड़छाड़ करने का प्रयास हुआ है। हमने प्रयास किया, संकल्प लेकर, कि हम देवभूमि के मूल स्वरूप को किसी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे, इससे छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। हमने जहां धर्मांतरण का सख्त कानून बना दिया, दंगा रोकने का दंगा रोधी कानून बना दिया, और बड़े पैमाने पर जो वहां लैंड जिहाद होता था, उस लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करके हजारों हजार एकड़ जमीन आज हमने अतिक्रमण से मुक्त करवा दी है। आप आएंगे, आपको बदलता हुआ उत्तराखंड दिखाई देगा भाई बहनों। इसके साथ साथ महिलाओं के बारे में 36 आरक्षण हमने वहां किया है, 10% उत्तराखंड के हमारे राज्य आंदोलनकारी है, उनके लिए भी किया है। भाइयों बहनों, ये सारा का सारा जो भी निर्णय हो रहे हैं, चाहे हरियाणा में हो रहे हैं, उत्तराखंड में हो रहे हैं, या अन्य भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में हो रहा है, ये सारे निर्णय केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकारें ही इस प्रकार के निर्णय ले सकती है। राष्ट्रहित के निर्णय ले सकती हो, ये आपको अब फैसला करना है कि एक और तो है विकास और संतुष्टिकरण के मॉडल वाली भाजपा, और दूसरी ओर देश में तुष्टिकरण, भ्रष्टाचार और परिवार की जनक ये कांग्रेसी और इंडी गठबंधन के लोग हैं। कांग्रेस घमंडिया गैंग झूठ और भ्रम फैलाकर फिर से सत्ता हासिल करना चाहते हैं। 2014 के बाद जो इनको भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिला है, ये किसी तरह से सत्ता में आकर फिर से वही खेल खेलना चाहते हैं, फिर से देश को भ्रष्टाचार के गर्त में धकेलना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, पूरे देश के अंदर मुझे चुनाव में अनेक अनेक स्थानों पर राज्यों में जाने का अवसर मिला है। पूरे देश के अंदर इस बार एक ही चर्चा है कि NDA की सरकार बनने वाली है, भाजपा की सरकार बनने वाली है, और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये गठबंधन कोई सरकार बनाने का इनका गठबंधन नहीं है, ये गठबंधन केवल केवल लोगों को भ्रम में डालने का गठबंधन है, ये गठबंधन ठग बंधन है, और ये गठबंधन अपनी पार्टियों के अस्तित्व को और अपने परिवारों को बचाने का गठबंधन है, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने का गठबंधन है। भाइयों बहनों, ये लोग राष्ट्रहित के मुद्दों से लेकर जनहित के सारे फैसलों में जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं, लोकतंत्र को खतरा बताने वाले। कांग्रेसी गैंग ने हमेशा देश के लोकतंत्र का उपहास किया है, पहले इमरजेंसी लगाकर देश की जनता के मौलिक अधिकारों को छीनने का काम और लोकतंत्र का सरेआम माथा उड़ाने का काम इन्होंने किया है। ये लोग राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ऐसे जो सर्वोच्च हमारे संवैधानिक पद हैं, उनके लिए भी अपमानजनक भाषा और उनकी भद्दी नकल करते हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा किस प्रकार से संसद चल रही थी, किस प्रकार का मजाक इनके पार्टी के सहजादे कर रहे थे। ये देश की किसी भी संवैधानिक संस्था का भी सम्मान नहीं करते हैं, सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, ED हो, CBI हो, यहां तक कि ये लोग देश की सेना पर भी सवाल उठाने से